नागपूरकरांसाठी आनंदाची बातमी आणि एक अभिमानाची बातमी आहे, कारण की नागपूरकरच असलेले संकल्प गुप्ता ज्याने वयाच्या अवघ्या 18 वर्षी मास्टर ग्रँडमास्टर झालेला आहे, म्हणजे बुद्धिबळामध्ये खेळला जाणारा जो मानाचा जो हे आहे तो पुरस्कार त्याला मिळालेला आहे. आपला जो संकल्प आहे त्याच्याकडून आपण जाणून घेऊ कशा पद्धतीनं हे जे ग्रँडमास्टरचं आहे तो त्याने मिळवलेला आहे. क्या बताएंगे कैसा लग रहा है क्या रेटिंग मिली है आपका अभी तक अभी भी रेटिंग 2500 हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा करने का अभी प्रेरणा मिली है, जुनून मिला है. जल्द से जल्द अभी 2600 रेटिंग करके और अपना रैंकिंग इम्प्रूव करना है. एक मतलब ये चेस जो गेम होता है वैसे ही ये बहुत कठिन माना जाता है और आपने बचपन से ही शुरुआत की, कब से आपने शुरुआत की, किस तरह से आपने इसमें गुल मिलती गए और धीरे धीरे आप रेटिंग बढ़ा? जी मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो जब मैं 4 साल का था तब मेरे बड़े भैया लोगों और भाई बहनों को सिखाने के लिए सर आते थे, तो जब घर में सब बाकी भैया लोग कर रहे थे मैं भी वही करना चाहता था. मैंने भी धीरे धीरे मैं भी साथ में बैठ के सीखता था, तो वहाँ से शुरुआत हुई. और 2019 में मैं इंटरनेशनल मास्टर बना था और अभी ग्रैंड मास्टर. पहली बार आपने इस स्पर्धा में भाग लिया था और उम्र क्या थी, क्या उसमें पहले इसमें आपको अच्छी सफलता मिली या धीरे धीरे सफलता मिलती गई, टारगेट कैसे अचीव करें? 2008 जून में नागपुर में बाल जगत टूर्नामेंट हुई थी, तो वहाँ पे मैं अंडर 7 में 3rd आया था मैं, तो वो मेरा पहला टूर्नामेंट था. क्या अनुभव था उस समय, मतलब कैसे खुशी हुई थी और क्या उस समय टारगेट था ग्रैंड मास्टर? उस समय तो कुछ भी ऐसा पता नहीं था और उस समय का तो मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है, तब मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा था. लेकिन 3rd आया तब मैं, उस समय मेरे सारे भैया भैया लोग भी खेल रहे थे, वो उनके कैटेगरी में खेल रहे थे अंडर 9 में अंडर 15 तक, तो बहुत अच्छा लगा होगा सब भैया बहनों के साथ खेलने में. अभी आपके परिवार में जो भी है उन्होंने क्या किया और आपने क्या, मतलब आपने अलग कैसे भैया लोगों ने उतना ज़्यादा नहीं खेले, जैसे वो बड़े हुए वो तो अपने पढ़ाइयों में लग गए और अभी मैंने ही पिकअप किया था. फिर मैं धीरे धीरे स्टेट लेवल नेशनल लेवल के टूर्नामेंट खेला, फिर वैसे जर्नी देखा गया है कि आपके ऊपर में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया और इस चीज़ों से करते हैं, पढ़ाई की तरफ भी आप पढ़ाई किससे में करते हैं, किस तरह आप चेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, कैसे समय निकालते हैं या स्पोर्ट के लिए? चेस की वजह से कंसंट्रेशन में तो बहुत हेल्प होती ही है और बचपन से खेल रहा हूँ तो बचपन से मैं बैलेंस करने की आदत रही थी, तो जैसे एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तब चेस थोड़ा कम करता था और तो पढ़ाई पे ध्यान देता था, और चेस जैसे मैं बोला कंसंट्रेशन में हेल्प रही तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा सर, आसानी से हो गया. तो फिर भी आप सोशल मीडिया यूट्यूब में रहते हैं आपने क्या प्रिकॉशंस लिए कि आपका ध्यान ना भटके? मेरा सोशल मीडिया पे कभी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मुझे उतना कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं. फिर भी मतलब होता है कि योग जाता है दोस्तों के साथ घूमने, सारा समय जैसे ही लगा सर. अभी साल भर टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे टूर्नामेंट खेल के आए महीना भर, फिर पढ़ाई में थोड़ा कैचअप करें, फिर वो करके फिर प्रैक्टिस करके अगले टूर्नामेंट के लिए चले गए, तो वो सब में ज़रा टाइम जाता था, तो उतना कभी दोस्तों के साथ भी घूमना उमना हुआ नहीं. नहीं हुआ मतलब बहुत दिक्कतों के बाद के बाद अभी आप कितने पॉइंट से आगे का क्या आपका टारगेट है जो आप इसके लिए खेलिए और अभी कहाँ जाने वाले? जी अभी मेरी रेटिंग 2504 है और अभी सबसे पहला इमीडिएट टारगेट 2600 रेटिंग करना है, और 30 नवंबर से मेरा स्पेन में अगला टूर्नामेंट है, अभी अगला टूर्नामेंट स्पेन में. ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी आपको किस तरह से उसको देखते देखते अपने खेलते हैं उसी से अभी अगर शुभकामनाएं? विश्वनाथ आनंद सर हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, तो जब उनका मैसेज देखा तो बहुत अच्छा लगा सर, एक बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और अभी और जुनून बढ़ गया है अच्छा करने का. क्या लगा था उनका मैसेज आएगा? सर उम्मीद कर रहा था कि सर का मैसेज आएगा, तो जब आया तो बहुत अच्छा लगा. क्या उनसे मुलाकात हुई है? उनसे कभी मुलाकात मिलने की इच्छा है जी. अभी अपने रैंकिंग इम्प्रूव करके होपफुली सर के साथ कभी खेलने का भी मौका मिलेगा. विश्वनाथ आनंद सर की भी अभी 2750 रेटिंग है, तो वो रेटिंग भी आप पार करना चाहोगे क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, तो हो सकता है आगे क्या करेंगे? धीरे धीरे अभी पहले 2600 करने पे फोकस करूँगा, अगर वो होता है तो धीरे धीरे 2700 फिर 2750 का भी ट्राई करूँगा. अभी आप देखते हो किस तरह से लोग जो युवा हैं उनमें आना चाहते हैं, खासकर मतलब ये चीज
इंटरेस्ट अभी बहुत बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि और बच्चे चेस खेलेंगे क्योंकि बहुत अच्छा गेम है, बहुत सारे फ़ायदे भी है इसके, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी वाइज। तो मैं आशा करता हूँ कि और लोग खेलेंगे और सीखेंगे। नक्कीच हो तो संकल्प गुप्ता म्हणजे नागपुरातून दुसरे, विदर्भातून दुसरे आणि भारतातून 71 ग्रँड मास्टर झालेले आहेत। नागपूरकरांसाठी नक्कीच आनंदाची बातमी आहे आणि त्यांचाही आनंद आहे तो दिसून येत आहे। विश्वनाथ आनंद यांनी स्वतः त्यांचं कौतुक केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी पुढचं टार्गेट असणार आहे आणि त्या टार्गेटसाठी त्यांना पुढच्या काळासाठी शुभेच्छा देऊया आणि आणखी त्यांचं रेटिंग वाढवू अशी आशा करूया। पराग ढोबळे, ETV भारत, नागपूर।